आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये जो एहतजाज हम चला रहे हैं, हमें बहुत ही अफसोस है कि गवर्नमेंट बार बार हमारे साथ वादे करती है कि हम एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, लेकिन हमें बहुत ही अफसोस है कि हमें आज दो साल के बाद हमारी कंटिन्यूस स्टडीज को मतलब छुड़ाया गया और उसके बाद आज हमें डिसएंगेजमेंट ऑर्डर जो ग्रेटर कश्मीर में परसों के न्यूज़पेपर में आया है। हमें बहुत अफसोस है कि हम आज इस जो सड़क पे उतरे हैं, हमारी मजबूरी हम करें क्या? हमें जो 2500 रुपए दिया जाता था, हमारा जो हमारा चूल्हा जलता था 2500 के बुनियाद पर, हमें आज वहां से हटाया जा रहा है और हमें इस चीज का अफसोस है कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब मिस्टर लाल सिंह, जब उनके पास हम अपना रिप्रेजेंटेशन डेपुटेशन लेके गए, उनको अपने ग्रीवेंसेस बताए और उन्होंने हमें कहा कि आपका कोई हमारे पास कोई कोटा नहीं है। हमने उन्हें कहा कि हमारे ही वॉलंटियर्स जब यहाँ श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल से वो मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा है, वो कह रहे हैं कि वो तो मरेंगे। हम कंडेम करते हैं कि इस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम अपनी ग्रीवेंसेस को बताते हैं, उनका जब ऐसा ये इजहार होता है आगे से, हमें बहुत अफसोस है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जब इनजस्टिस कहीं का लॉ बन जाता है तो बगावत वहां का कानून बन जाता है। व्हेन इनजस्टिस बिकम्स द लॉ एंड द रेबेलियन बिकम्स द ड्यूटी, हमारा फर्ज है, हम बगावत करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, जो हमें रुकाने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ जो कुछ हमें करना पड़े, हमें जिहाद करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें नक्सली बनना पड़े, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं किसी को।